नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके इंडक्शन कुकटॉप में शॉर्टिंग बता रहा है और आपका पीवीसी बोर्ड जो है इसका सर्किट है वो शॉर्ट बता रहा है, आपने मॉसफेट को भी निकाल दिया, उसके बाद भी आपका जो सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है और सीरीज लैंप आपका जल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की प्रॉब्लम इस इंडक्शन के पीवीसी में आई हुई है, तो सोचा कि आपको ये सॉल्व करके दिखा दूँ और आपको भी इसकी जानकारी दे दूँ। दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पर लगा हुआ है अपना एक रेक्टिफायर है, और यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, एक IGBT लगा होता है, जिसको कि हम मॉसफेट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगा होता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सीरीज लैंप तब हमारा ग्लो करना चाहिए यदि हमारा मॉसफेट इसका शॉर्ट हो। यदि इसका मॉसफेट शॉर्ट होगा तो हमारा सीरीज लैंप ग्लो करना है, परंतु हो क्या रहा है दोस्तों कि हमारा जो अपना मॉसफेट को निकालने के बाद भी ये ग्लो भी कर रहा है और ये जबकि पीवीसी ऑन भी हो रहा है। मेन चक्कर ये पड़ रहा है दोस्तों कि आपका पीवीसी ऑन भी हो रहा है और क्या हो रहा कि सीरीज लैंप भी ग्लो कर रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आपने कौन कौन से पार्ट को चेक करना है, वो मैं आज आपको सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके रेजिस्टेंस भी ओपन करके देख रहे थे कि कहीं रेजिस्टेंस शॉर्ट हो और अपना इसी के कारण ये अपना ग्लो कर रहा हो। ये प्रीसेट है और प्रीसेट को भी मैंने निकाल करके साइड में रख दिया था कि ये प्रॉब्लम क्या पता इस चीज़ की हो, क्योंकि इसकी आप पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको कि प्रीसेट का क्या लिंक है इस शॉर्ट सर्किट से। तो मैंने निकाल दिया था बाहर कि इसमें ओपन हो जाएगा तो ये क्या पता शॉर्टिंग ना दें। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसका थोड़ा डायग्राम इसी में बता देता हूँ, इसके ट्रैक बता देता हूँ कि आपके इसमें यदि प्रॉब्लम आती है तो आपने सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। हमारा ये यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करके क्या नज़दीक दिखा देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रीसेट है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रीसेट होता है लगा हुआ, इसकी तीन लैग होती है, तो ये प्रीसेट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए आप। तो हमारा क्या है कि जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का हमारा क्या है, ये कनेक्ट है किसके साथ, अपना ये पीवीसी के साथ कनेक्ट है, इसकी चार लेग है, ठीक है, दो बीच वाली एसी की लाइन की है जो कि हमारी ये फ्यूज से होती हुई आती है, मेन लाइन एसी इन होती है यहाँ पर, और ये आउटपुट यहाँ पर डीसी 300 वोल्ट के करीब निकालता है, ठीक है दोस्तों। ये 300 वोल्ट होते ही होते हैं, 300 वोल्ट के करीब आता है, 298-290 करीब आ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारा जो नेगेटिव इसका पॉइंट है, यहाँ से एक ट्रैक निकलता है और ये देखिए यहाँ नेगेटिव से ये अटैच होगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये क्या है कि अपना, और ये दूसरे वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर ये डीसी वोल्ट आएगा दोस्तों यहाँ पर 300 करीब। तो यहाँ से ये ट्रैक को देखिए, इसमें एक नीचे जंपर लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये तार का एक जंपर लगा हुआ है जो कंपनी ने लगाया है। तो उसके बाद ये ट्रैक यहाँ से होता हुआ, अब इसको आपने ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ गया है। अब देखिए थोड़ा लाइट जला दिया, ये यहाँ से होता हुआ इधर इधर, ये साइड से और यहाँ भी है, ये पीछे ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली एक ये पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ से होता हुआ ये प्रीसेट के इन में चल जाएगा, प्रीसेट को इन देगा, ठीक है दोस्तों। अब प्रीसेट को जब हमने यहाँ से निकाल लिया, कि हो सकता था क्या पता यहाँ प्रीसेट शॉर्ट हो, तो उसके कारण भी यहाँ पर क्या होता है कि अपना वोल्टेज अपनी ड्रॉप हो रही हो और इसके कारण लैंप ग्लो कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और प्रीसेट को मैं चेक करने का भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, यदि आपको इच्छा होगी प्रीसेट को किस तरह से चेक करें, कहाँ पर कौन सी कंडीशन पर ये ठीक होता है और कौन सी कंडीशन पर ये ख़राब होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव लाइन, अब ये तो एसी है, एसी के साथ ही अपनी क्या है पॉजिटिव लाइन है, ये वाली साइड वाली लाइन, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है ये आगे कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पर हमारे कॉयल लगी हुई है पीछे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना क्या है यहाँ से कनेक्ट होके, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पर एक अपनी क्या कॉयल लगी हुई है पीछे, इंडक्शन कॉयल, ठीक है, जो इंडक्टिव कॉयल है ये वाली, ये दिखा देता हूँ, ये तो शॉर्ट होगी भी क्या, क्योंकि इसको तो हमने शॉर्ट करने के लिए ही बनाया है, क्योंकि ये आगे सीरीज में जुड़ी हुई है। तो उसके साथ ये ट्रैक यहाँ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर एक 270 के या 280 या 470 के या 320 के क्या हो के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ही मैंने निकाल करके देख लिए,
कि क्या पता यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो और शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा इंडक्शन में वीप की बात तो आ रही है ही, जबकि ऑन कंडीशन में तो ये है, परंतु ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। और यदि हम इस कंडीशन में इसमें मॉस्फेट लगा लेते हैं बिना चेक करे, तो आपका मॉस्फेट साथ साथ ही उड़ जाएगा, मीन्स सो ब्लास्ट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सप्लाई हटाई तो यहाँ पर अपना जो मॉस्फेट का जो सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना इसके पॉजिटिव से जब टच करेंगे तो एक शॉर्ट सर्किट की आवाज़ आ रही है और इसमें शॉक भी लग रहा है हल्का हल्का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पर हमारी लीकेज करंट है जो कि आगे नहीं जा रही है, और यहीं पर हमें क्या है कि शॉक भी लग रहा है और ये ब्लास्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने रेक्टिफायर को बाहर निकाल लेते हैं सर्किट से, और फिर हम चेक करते हैं कि कहीं ये रेक्टिफायर की ही प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमने इसके आगे के सर्किट को तो हमने क्लोज कर दिया है, मीन्स ओपन कर दिया है। तो हमारे पास बचता है सिर्फ यही ऑप्शन कि जो हमारा रेक्टिफायर है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इसे फटाक से बाहर निकाल लेता हूँ, आप ही ब्रश की सहायता से भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, ये डिसोल्डरिंग का काम करता है, इस तरह से गर्म किया, इस तरह से लगाया, तो इसे कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसका जो रेक्टिफायर था, ब्रिज रेक्टिफायर, मैंने उसे बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ इसके चार लेग है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें इसे चेक करना है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके इन और आउट। ये हमारी बीच की जो लेग है ये है एसी इन, जिसमें ये तिरछी तिरछी लाइनें लगी हैं ना वेव टाइप की, तो ये एसी का सिंबल होता है। और ये साइडों में हमारी डीसी वोल्टेज है, कितनी, 290 280, अपना 320 310 के करीब ये वोल्टेज निकालता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सर्किट समझा देता हूँ कि इसमें कैसा है। अब ये देखिए, जो ये वाला पॉजिटिव सिरा है, ये वाला नेगेटिव के साथ यहाँ है, अपना जो एसी का है ना, एक एसी का नेगेटिव के साथ है और एक एसी का अपना किसके साथ, पॉजिटिव के साथ है, जो कि आउटपुट एसी रो डीसी निकालता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह का सर्किट है। तो कहने का मतलब ये कि यदि हम इसे चेक करेंगे तो हमारे पास इंडिकेशन क्या आनी चाहिए मीटर में, और क्या इंडिकेशन इसमें शो होनी चाहिए कि ताकि हमारा जो रेक्टिफायर है वो सही कंडीशन दिखाएं। तो हम इसको वीप की उस पर सेट कर लेते हैं, मीन्स डायोड नापने वाले पॉइंट पर सेट कर लेते हैं और इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पहले हम पॉजिटिव को हम पॉजिटिव पर रखेंगे जो इसका पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरे प्रोब को हम इसके साथ वाले पे लगाएंगे। अब यहाँ पर इसका ये दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, नेगेटिव को हमने लगा लेना है नेगेटिव वाले पॉइंट पर। ये ब्रिज रेक्टिफायर चेक करने का तरीका है दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके साथ इसे टच किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने सुनी आवाज़, ये वीप की बात कर रहा है, मीन्स ये पूरा शॉर्ट हो चुका है, अपना जो नेगेटिव है ये शॉर्ट हो चुका है यहाँ से यहाँ, जिसके बीच में ना ही कोई डायोड लगा है, ना ही कोई अपना सेमीकंडक्टर रहा है, ये बाईपास हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है। तो ये अब जो हमारा ये वाला है, जो पॉजिटिव वाला सिरा है, हम उसे भी चेक कर लेंगे, इसमें भी हम देख लेते हैं कि आप तो इसमें शॉर्टिंग हो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को इधर ले आएंगे और नेगेटिव को हम यहाँ लगाएंगे, तो आपको इंडिकेशन आनी चाहिए, ये देख 524 519 18, इतनी इंडिकेशन आपके पॉजिटिव नेगेटिव से आनी चाहिए, जो इनपुट से आउटपुट निकाल रहा है उसके बीच आप जब चेक करोगे तो आपका 500 से ऊपर ही वोल्टेज, मीन्स अपना जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, आपकी वैल्यू जो है वो इतनी आनी ही आनी चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट सर्किट है, वीप की आवाज़ कर रहा है। तो हमारा कुल मिलाकर के जो है, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो पूरी तरह से ख़राब तो नहीं है, मीन्स जो उसका एक साइड का टर्मिनल है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है, तो ये यूज़ के लायक नहीं है। इसी कारण से क्या हो रहा था कि वोल्टेज तो जा रही थी, मीन्स डायरेक्ट वोल्टेज जा रही थी, हाई वोल्टेज जा रही थी, जिसके कारण कि शॉर्ट सर्किट बता रहा था हमारा सीरीज लैंप। तो सीरीज लैंप शॉर्ट सर्किट बता रहा था, तो हमने क्या किया कि हम नया जो रेक्टिफायर है ये ले लेते हैं, और इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम ये लगाएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव यहाँ लगाएंगे, ठीक है, चलो यहाँ लगा लेते हैं, और मीटर को कर लेते हैं हम बजर पे सेट, मींस कंटिन्यूटी टेस्टिंग के ऊपर,
ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा मीटर नीचे कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जैसे चेक करेंगे तो 500 के ऊपर ही हमारी दोनों इसकी रीडिंग आनी चाहिए थी, ठीक है। मैं उल्टे को शॉर्टिंग चेक कर रहा था अभी, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। मैंने दूसरे इंडक्शन से निकाला है क्योंकि मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर ख़त्म है। तो देखिए, 501 498, ये रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है एक साइड की, जो पॉजिटिव हमने टेस्टिंग की पॉजिटिव की। अब नेगेटिव की कर लेते हैं, तो हम इसे यहाँ रहने देंगे और इसे हम यहाँ लगाएंगे, ऐसे को ठीक आ रही है। अब हम इसे पॉजिटिव को यहाँ लगाएंगे और नेगेटिव को यहाँ, तो 513-14 के करीब यहाँ पर रीडिंग आ रही है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये यूज हो सकता है। तो हम इसे फटाक से इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। और आपको इंसर्ट किस तरह से करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको इंसर्ट करने के लिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हीट सिंक है ना, इसकी जो हीट सिंक है उसको आप लगा लें और इसके ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट लगा लें, जो अपना हीटिंग पेस्ट है उसको लगा लें, ताकि आपका मोसफेट और ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट ना हो ओवर हीट के कारण। कई बार क्या होता है, ये बार बार इसलिए भी उड़ता है कि आपका जो हीट सिंक है ना, वो नहीं लगा है, हीट पेस्ट नहीं लगा है, उसके ऊपर अच्छी तरह से टाइट नहीं हुआ है और इसको ड्रेन नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण से क्या होता है कि आपका ओवर हीटिंग के कारण भी आपका मोसफेट और ब्रिज रेक्टिफायर उड़ जाता है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर लगा के। ये देखिए, मैंने लगा दिया तो कोई लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वीप की आवाज़ सुनी है अभी, तो देखिए हमारा लैंप भी ग्लो नहीं कर रहा है अब, और लैंप ग्लो करना बंद कर दिया है, और जो कि हमारी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने आपको क्या करना है, इसके बाद भी आपको नहीं छोड़ना है इसे, अभी आपको पूरी तरह चेक करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है IGBT MOSFET को किस तरह से चेक करें और वो बार बार क्यों उड़ता है। तो आपने ये तीनों टर्मिनल है इसके ऊपर के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि MOSFET बार बार IGBT बार बार इंडक्शन में क्यों उड़ता है। तो आपने वाला वीडियो देख लेना है, इससे आगे का आपको प्रोसीजर उसके ऊपर ही देख करके मिलेगा। तो हमने इसको लगा करके हमने क्या करना है कि इसके ऊपर क्या है कि अपने जो हीट सिंक है उसे टाइट कर देना है अच्छे से पेस्ट लगा करके, उसके बाद ही हमने इसकी सोल्डरिंग करनी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसके टांके उघड़ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है बार बार, आपका कई बार शॉर्ट सर्किट यहीं से हो जाता है लूज कनेक्शन के कारण और MOSFET उड़ने लग जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको भी हम सिखा सकें कि आप किस तरह से इतने छोटे छोटी प्रॉब्लम को बड़ा समझ लेते हैं और सॉल्व नहीं हो पाती है, तो आप प्लीज़ इसे सॉल्व करें। और कई दोस्त मुझे कमेंट भी कर रहे थे, जो इसका फ़ैन होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वोल्टेज नहीं बन पा रही है किसी के, तो एक वीडियो और बना दूंगा मैं, यदि आप कमेंट में लिखोगे कि आप वीडियो बनाएं, और मैं एक और वीडियो बना दूंगा अपना जो इंडक्शन का जो फैन है नहीं चल पा रहा है, उसे 18 वोल्ट किस तरह से दें, किसी में हमारा पॉजिटिव तो आ रहा है नेगेटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव तो आ रहा है पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा आपको और वीडियो दे दूंगा, यदि आप कमेंट करके बोलोगे हमें इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यदि आप नए हैं तो। और दोस्तों, मेरा कहने का एक और मतलब ये भी है कि यदि आप लोग कुछ सीख रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से यदि आप सीख रहे हो तो मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। और मेरा टाइम जो मैं बर्बाद वीडियो बनाने के लिए करता हूँ, तो मुझे लगता है मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की भी हेल्प इससे हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो। और दोस्तों, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कमेंट में, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होता हूँ दोस्तों, दिन भर शॉप पर होता हूँ, तो सब कुछ देखना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं लगता है आपके रिप्लाई करने का, परंतु मैं रिप्लाई सबका करूँगा, मैं धीरे धीरे करके सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, सबको कोई भी प्रॉब्लम पूछते हैं मैं उसका सोल्यूशन निकाल करके आपको देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो दोस्तों लाइक तो एक कर देना, क्योंकि मेरा हौसला भी थोड़ा और बढ़ जाएगा वीडियो बनाने का, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा आने वाले समय में। अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो सीलिंग फ़ैन के टोटल डाटा वगैरह, हर तरह का सीलिंग फ़ैन आप किस तरह से रिवाइंड करें घर पर, और आसान से आसान तरीका रिवाइंड करने का, उसमें पेपर लगाने का, उसके कनेक्शन का, सारा मैं आपको ये डिटेल दे दूंगा।
और वीडियो बना कर के आपको ढेर सारी दे दूंगा मैं, ताकि आप घर पर ही मैकेनिक बन सके, एक इलेक्ट्रिशियन बन सके और अपना काम खुद ही कर सकें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों खुश रहें।